सो गाइस, ये हमारे घर के गणेश भगवान जी। और वैसे मैंने आप लोगों को अपनी फैमिली से नहीं मिलाया ना अभी तक। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग फ्रॉम माय घर, माय होम, माय सिटी दैट इज हल्द्वानी। तो आज बीटी की आईटी नहीं कहूंगा शुरुआत में, क्योंकि आज मैं अपने घर आया हुआ हूँ और उसका रीजन कल आपको पता जाएगा। कल वाली वीडियो डालूंगा जिस रीजन से आया हूँ, मगर आज है 31st न्यू ईयर का दिन, तो हमें करना है न्यू ईयर अपना सेलिब्रेट। तो हमने कहा कि है चलो वाला काम तो निपटाना है निपटाना है, क्योंकि वो जरूरी काम भी है, मगर उससे पहले परिवार के साथ मिलके आज न्यू ईयर सेलिब्रेट करेंगे। तो आप सभी को भी नए वर्ष की बहुत बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा बहुत बहुत ज्यादा शुभकामनाएं। आप सबके सपने पूरे हो इस नए साल में, आपके भी हो और हमारे भी हो। बस आप लोगों का प्यार चाहिए हमें अपने टेक्निकल अंदाजी ब्लॉग्स में। हम लोग आपकी प्यारी से प्यारी, आप लोगों के लिए प्यारी से प्यारी वीडियोस लाते रहेंगे। तो कृपया आप लोग भी अपना प्यार दर्शाइए 2022 में अपने भाई टेक्निकल अंदाजी ब्लॉग्स को, और हम लोग भी आप लोगों के लिए वीडियो बनाते रहेंगे। तो सभी को हैप्पी न्यू ईयर 2022। तो चलो फैमिली के साथ आज करते हैं हम अपना न्यू ईयर सेलिब्रेशन। सो गाइस, ये हमारे घर के गणेश भगवान जी। और वैसे मैंने आप लोगों को अपनी फैमिली से नहीं मिलाया ना अभी तक, तो चलो घर आया तो इसी बहाने मिला ही लेता हूँ आप लोगों को अपनी फैमिली से। और ये देखिए, ये मेरी मम्मी जी यानी कि वंश की नानी जी। नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी को। हैप्पी न्यू ईयर, नए साल की सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये है मेरी सबसे बड़ी दीदी। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल सब्सक्राइबर ऑफ टेक्निकल नंदा जी। और ये है मेरे जीजा जी। हेलो, सभी को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी का नया साल मंगलमय हो और खुशियां लेके आए जिंदगी में ढेर सारी। और ये है मेरी, ये अपने आप को छोटी बहन कहती है। अब आप ही आप मेरी शक्ल और इसकी शक्ल देख लेना, ये मेरी छोटी बहन है, बड़ी बहन है। नाइस टू मीट यू ऑल टू गाइस। क्या बोलूं, मेरी और आप लोगों की तो मुलाकात होती रहती है। आपको पता ही है, इससे पहले भी मैं वीडियोस में आ चुकी हूँ, तो मुझे ज्यादा इंट्रोड्यूस कराने की तो जरूरत है नहीं, क्योंकि वैक्सीन के टाइम है। उससे पहले भी हम लोग जैसे हम दोनों भाई बहन काफी घूमते रहते हैं, तो वीडियोस काफी बनती है। वो तो अब भाई मेरा अनटेक कर रहा है, सो आपको पता ही है, वो अपना इंडिविजुअली बनाता है। लेकिन चलो आज इस काफी लॉन्ग टाइम बाद पूरी फैमिली इकट्ठा हुई है, तो आज हम लोगों का सेलिब्रेशन हो रहा है। आई होप आप लोग भी सब इंजॉय कर रहे हो। सो अब हम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि कैंडल मैंने काफी देर से जला रखी तो अब वो गल जाएगी। ये तो आपसे आप फिर बात करते हैं। ये हमारा 31st का न्यू ईयर का केक आप लोग देख लीजिए। ये दीदी के कुछ आर्टिफिशियल फ्लावर्स हैं, हमारी छोटी दीदी या फिर छोटी बहन कहें। ये तो कहती है कि मैं मुझसे छोटी है करके। अब आप ही बताना कमेंट करके, मुझसे छोटी है मुझसे बड़ी है। तो चलिए सर, आ रहे हाँ, भाई का थोड़ा अर्जेंट फोन आ गया उसके ऑफिस से, तो उसकी वीडियो अभी नहीं बना पा रहा हूँ क्योंकि ऑफिस का काम भी बहुत जरूरी है। तो चलिए अब इसको सेलिब्रेट करते हैं। मम्मी ने देख लीजिए ये। हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर वंश, क्या है आज? अच्छा, वंश का इंट्रोडक्शन नहीं हुआ। ओहो, मौसी ने वंश का इंट्रोडक्शन नहीं दिया। वंश तो आते रहता। वंश देखो, ऊपर देखो, गाइस को हैप्पी न्यू ईयर कहो। हैप्पी न्यू ईयर। अभी हमारा भांजा थोड़ा नाराज हो गया था बैठने के पोजिशन के चक्कर में, अभी नानी ने उसको फिर उसकी वाली जगह मिलाया। देखिए मेरे बाबू के लिए प्यारा सा चॉकलेट वाला केक। ये नानी का सबसे फेवरेट बंदा यही है। ये देखिए एक और बार। हाँ, ये कैसा लगा के? अच्छा हो रहा है। ये देखिए अब दीदी खिला रही है मम्मी को। हाँ, कम कमी, ज्यादा मीठा नहीं। चलिए चलिए, सेलिब्रेशन चल रहा है, मतलब ज्यादा बड़ी पार्टी नहीं कर रहे हैं, बस सिंपल उम्पल कर रहे हैं। मौसी को खिलाओ। अरे मौसी ने वंश को खिला दिया। मैं आपको चेरी खिलाऊंगी, पर इसमें बीज होता है। ये देखिए, ये हैप्पी न्यू ईयर। गाने वाने हम इसलिए नहीं बजा रहे हैं, वीडियो के बाद बजाएंगे, क्योंकि कॉपीराइट स्ट्राइक, मेरे उसमें कॉपीराइट क्लेम आ चुका है ना एक दो बार, वो गाने हटाने पड़ते हैं। इससे बढ़िया तो डालो ही मत। तो
तो ऐसे सिंपल ही सिंपल सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो पास से आपको केक भी दिखा देते हैं, ये देखिए चोको केक, हमारे वंश का फेवरेट। क्यों वंश, आपका फेवरेट है ना ये? समझिए लो भाई, चॉकलेट भाई के लिए, उसको बहुत पसंद है, बचपन से बहुत डेयरी मिल्क खाता था। हाँ डार्क चॉकलेट उसको बाद में पसंद है, वैसे मैं सब झूठ बोल रही हूँ, पर चलो कोई बात नहीं। तो गाइस अब हम लोग केक खा लेते हैं और आप लोगों से मिलते हैं थोड़ी देर में, और हम थोड़ा एंजॉय करते हैं अपना 31st। बस एक बार सब लोग कह दीजिए सब लोगों को हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। दे देंगे ये मौसिया भांजे का डांस। चलिए गाइस आप लोगों को सेलिब्रेशन दिखाई दिया, अभी तो सिंपल वाला हो रहा है, गाने वाने के साथ हम थोड़ी देर में करते हैं। 31st हमें एंजॉय करना है अभी अपना। आप लोगों के लिए इतना ही, चलिए आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर, आप लोगों के लिए 2022 बहुत अच्छा जाए। सो गाइस हम लोगों ने इस बार का अपना सेलिब्रेशन कर लिया है 31st का, और पूरी फैमिली क्या हुआ है, और दो चार दिन अभी मैं हल्द्वानी ही हूँ, किसी काम से आया, वो आपको कल की वीडियो में पता चल जाएगा मैं किस काम से आया हुआ हूँ। और आशा करता हूँ आप लोगों को आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। हाँ जी, और आप सभी को नए साल की बहुत बहुत ज़्यादा शुभकामनाएं नंदा फैमिली की तरफ से, आपका नया साल बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत प्यारा जाए। अभी केक खाने का तो नहीं, खाती लग गई है, मीठा खाने की आदत ज़्यादा नहीं है मुझे, तो आप इस चीज़ को इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है, और हम लोगों ने अपना पार्टी वार्टी इन्जॉय किया, मैंने आगे की ज़्यादा वीडियो इसलिए नहीं बनाई क्योंकि मैंने कहा यार हम लोग डांस वांस करते हैं, गाने वाने बजते हैं, अगर मैं हटाना भूल जाता है एडिटिंग के समय तो कॉपीराइट क्लेम वगैरह आ जाते हैं, तो उस चक्कर में वंश को आता है डांस करना, तो कई ज़्यादा ही हो गया लग रहा आज। तो आशा करता हूँ आप लोगों को आज का हमारा फैमिली ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को आज का ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल दैट इज टेक्निकल अंदाजी व्लॉग्स, और हाँ कमेंट करके जरूर बता रहे कि आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा, अच्छा लगा बुरा लगा नो मैटर, जस्ट आप लोग अपने कमेंट हमारे पास भेज देना जी प्लीज। और हाँ बहुत जल्दी आपके मीटिंग आई डी फिर से वीडियो आएंगी, क्योंकि कुछ दिनों में मैं फिर कॉलेज को वापस चल जाऊँगा, तब तक आप हल्द्वानी का ब्लॉग इन्जॉय करिए, हल्द्वानी भी बहुत अच्छा है, आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे ब्लॉग बनाते रहेंगे हम लोग। तो मिलते हैं आप लोगों से अब नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत वंदे मातरम, बाय बाय।